दोबारा करेंगे, उनके एंथ्रो के भी मिस हो गए होंगे आपने। हेलो शबाना, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आज दो ही हैं आप लोग? सर अशोक को ये पता नहीं क्या, एक बार मैं मैसेज करती हूँ। अरे एक बार देखते हैं, एग्जाम भी नहीं आज तो। सर उनका है आज एग्जाम, था तो मुश्किल है आना। आई थिंक सर। तो शबाना आज यूज करिए, रोबिन आप हैं क्लास में। Let's use this time, Shabana, to clear your doubts. Yes, sir. तो क्या करूँ आपको आज? सर मुझे ना थोड़ा रिलेशन वाले चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। कौन से वाले में? Yes, sir. वो एक्चुअली ना एक क्वेश्चन भी था कि इनवर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। इनवर्टिबल फंक्शन? Yes, sir. और बताइए, कल परसों जो हुआ समझ में आया? अभी अशोक भी आ गया। अशोक आर यू देयर? यस सर। सर अभी स्कूल से आया सर, खाना खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो लोग आएंगे क्या, प्रियांशु और वो हर्ष? सर हर्ष सर वो तो ऑफलाइन आने का बोल रहा था सर, प्रियांशु भी। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसा गया एग्जाम अशोक? सर एनसीसी का बढ़िया गया सर। चलिए खाना खाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा था, देखता हूं याद है क्या।
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. क्या होता था याद है सर? एन बाई टू ए प्लस ए एन होता था एक, और एक होता था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी. क्या होता है याद है? नो सर. ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ये बेसिक फॉर्मूला से क्लास 11. आईआईटी का क्वेश्चन आपको पता है एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलके आएगा. क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू n माइनस 1 x पावर n माइनस 2. यूजिंग डिफरेंशिएशन. देखिए निकाल पाएंगे क्या. एसी चल रहा है तो बंद कर. ये पूरा निकालना है तो इसके बाद करवा देना. अगर उधर उधर का करना है तो आवाज बाद में करेंगे. उधर उधर का करना है तो कर दो. फिर ये सारा आइडिया लग रहा है कैसे निकल सकता है. अशोक आइडिया लग रहे हैं क्या करें? सॉरी सर अभी सॉल्व नहीं कर रहा सर. नहीं समझ आ रहा सर? अभी सॉल्व नहीं कर रहा सर. वो सॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है मनीषा एक क्वेश्चन करना है. फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर यूजिंग डिफरेंशिएशन. और इसका बेसिक हेल्प क्या किसकी लेनी है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP. ओके सर.
करूं मैं? डिफरेंशिएशन के साथ निकालना है। आप जरा सोचिए किसका डिफरेंशिएशन होता है, वन एक्स का, टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का, थ्री एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का, एंड सो ऑन। ये किसका होता है, ये होता है एक्स पावर एन माइनस वन का। नाउ अगर इसमें मैं वन ऐड कर दूं, हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, एक्स पावर वन से लेकर एन माइनस वन तक तो टोटल एन माइनस वन टर्म्स, इसमें वन भी ऐड हो गया, सो देर आर टोटल एन टर्म्स। सम क्या होगा एन टर्म्स का, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है वन, आर मतलब कॉमन रेशो। इस जीपी का कॉमन रेशो क्या है, व्हाट इज कॉमन रेशो फॉर दिस जीपी सर, कॉमन रेशो सर, यस सर एक्स, एक्स है कॉमन रेशो। क्या होता है, दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो उनका रेशो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स ले लो चाहे कुछ भी ले लो, एक्स रहेगा, तो ये आ गया कॉमन रेशो इज एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या करें अब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या मिला, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, प्लस एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, अप टू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू। कौन सा रूल यूज करें राइट साइड डिफरेंशिएशन के लिए, राइट साइड सिंपल है, विच रूल टू यूज, द कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, एक्स माइनस वन स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एन इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस न्यूमरेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वन, दैट्स इट। इतनी बड़ी टर्म्स का हमने डिफरेंशिएट कर दिया यूजिंग, इतनी बड़ी टर्म्स का सम निकाल दिया इन ए सिंपल वे यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, चले आगे, लिख लीजिए लिखना है तो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ऐसा मैंने करवाया था, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, एफ टू इज वन and f dash 2 is 3. Wow.
फाइंड द वैल्यू ऑफ d by dx of f inverse x at x is equal to 1. सर क्वेश्चन ब्लर है सर. ओके आइडिया लग रहा है गाइस कैसे करना है. सर एक मिनट बस सर पेन ढूंढ रहा हूँ. अप्रोच क्या है. देखें मनीषा शबाना कुछ आइडिया लग रहा है. सर एफ इनवर्स कैसे निकालते हो वो मुझे नहीं पता. सर वो नहीं पता निकालना भी नहीं है. देखो वन पे दिया हुआ है आइडिया लगाते हैं. इधर भी वन है तो कहीं ना कहीं यूज होगा. एफ टू इज वन इतना तो पता है मनीषा. दोनों तरफ इनवर्स ले लोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ टू इज एफ इनवर्स ऑफ वन. ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स एफ इनवर्स वन की वैल्यू क्या आई. कहीं ना कहीं ये यूज होगा. अब f इनवर्स x का d by dx नहीं निकालना था हमें. क्या करें. लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू gx.
क्या करें, दोनों तरफ f ऑफ f इनवर्स है, इज f ऑफ gx, कैंसल, दैट मीन्स f ऑफ gx इज इक्वल टू x. कल मैंने इस तरह के क्वेश्चन कवर किए थे कि दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा. अब सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, f, f डैश ऑफ जी एक्स, फिर अंदर किसका होगा g डैश x का, फिर अंदर किसका होगा x का, और x का डेरिवेटिव 1 है, इधर x का डेरिवेटिव 1, तो f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज 1. हमें निकालना क्या है, हमें d बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स x निकालना है. अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं, ये क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू g डैश x, बराबर है. अशोक समझ आ रहा है ना? जी सर. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट जो हमें चाहिए, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे. अब हमें x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए, तो इधर gx का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, gx इज 1, और gx क्या था, f इनवर्स x इज 1, और x का वैल्यू 2, f इनवर्स x का वैल्यू क्या है, तो x वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि f इनवर्स, सॉरी x का वैल्यू 1 होगा, f इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2 होगा ना. हाँ, f इनवर्स 1 इज 2, और g डैश x, यहां पर x 1 रखा ना, तभी तो g डैश 1 निकलेगा, इधर f इनवर्स 1 निकालना है, तो g1 का वैल्यू कितना है, g1 का वैल्यू, इसको हमने gx माना था f इनवर्स को, सो g1 का वैल्यू है 2, सो x को 1 रखा, f डैश g ऑफ 1, g डैश x को लिखा, f इनवर्स x का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज 1, ये वैल्यू है हमारी, g1 है 2, ये वैल्यू थी हमारी 2, तो क्या आ गया आंसर हमारा, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पर लास्ट स्टेप में, हमें निकालना है, ये निकालना है हमें, और इसके लिए मुझे x चाहिए 1, तो f डैश ऑफ g1, f डैश ऑफ g1, और g1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो f डैश ऑफ 2, क्या f डैश 2 दे रखा है हमें, ये दे रखा है 3, बन गई बात, ये हमें निकालना है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फंक्शन के, दैट मीन्स जी डैश एक्स आ गया 1/3. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे एप्लीकेशन करें, कैसे सोचें, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन का लिंकेज है
यहाँ पर वन दिया है, यहाँ पर ये वन है, तो ये दोनों लिंक होंगे आपस में। मिश्रा जी क्लियर है? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आते हैं। सो लिख लीजिए, आगे चलते हैं। फिर जो बुक के क्वेश्चन है वो तो मैं करवा भी नहीं रहा हूं। कल मैंने कहा आईटी का क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ आप फटाफट दोबारा निकाल सकते हैं क्या? इसी के ऊपर है, रुक जाइए अभी नहीं हुआ। Yes, sir, done. देखता हूं कल वाला क्वेश्चन याद भी है कि नहीं है। ब्लर हो गया मुझे पता है, एक बार क्वेश्चन टाइप करता हूं, देन आई विल कम इन सेंटर। fx is x cube plus e power x by 2 and gx is f inverse x. Find the value of g dash 1. सर टू
टू है यस सर किया था सेम क्वेश्चन जी सर ईशा शबाना देखिए हुआ है क्या आपका इसके बाद जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे नया टॉपिक आज खत्म करेंगे डिफरेंशिएशन को द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई माइनस एक्स वाई आसान क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एट 1 3 व्हाट यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1 3 सर ये वाले क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है सर Slope of tangent to the curve at 1 3 मनीषा शबाना पहले वाला हो गया कल करवाया था मैंने ये सर मेरे से नहीं हुआ नहीं हुआ कल करवाया था देखिए Gx is f inverse x अभी मैंने बताया f inverse खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं निकालना आता हमें हम क्या करेंगे f of gx करेंगे बोथ साइड ये कैंसल ठीक है ना सो f of g of x is x डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ f dash of gx into g dash x is equal to 1 हमें g dash 1 निकालना है that means x को क्या लिखना पड़ेगा put x is equal to 1 तो f dash of g1 into g dash 1 is equal to 1 अब g1 की वैल्यू क्या होगी g1 will be f inverse 1 इधर हमने f of gx किया
जी डैश वन हमें निकालना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश एक्स होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू ए की पावर एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू। फिर हमने यहां से आइडिया लगाया था, हमने क्या आइडिया लगाया था, जी वन अगर मैं x की पावर जीरो रख दूं, इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री पावर एक्स स्क्वायर टू इंटू वन बाय टू एफ डैश जीरो विल बी वन बाय टू। ठीक है, अब जीरो का क्या पर्पज है, हमें जी वन की वैल्यू निकालनी है। कुछ और भी दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? एफ जीरो एफ जीरो होगा वन, एफ जीरो वन होगा। सो एफ इनवर्स वन क्या होगा, जीरो होगा ना, और यहां पर एफ इनवर्स वन ये जीरो रखना है, एफ इनवर्स वन इज जीरो, तो जी वन का वैल्यू है जीरो, तो दैट्स व्हाई इधर जीरो रखा, जी डैश वन इज इक्वल टू वन, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, वन बाय टू, यहां से जी डैश वन लिखेगा। ये जो कनेक्शन वाला पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शवाना मनीषा आज भी क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। सर एफ जीरो की वैल्यू सर वन कैसे हुई? रखिए यहाँ पर जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, एफ जीरो विल बी जीरो का क्यूब जीरो, और किसी भी नंबर की पावर जीरो इज ओके सर, एफ जीरो वन हुआ, यहाँ पे एफ इनवर्स वन चाहिए तो एफ इनवर्स वन विल बी जीरो, तो इधर जीरो रखा, और एफ इनवर्स वन क्या है, जी वन है, फिर रह गया एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो हमने यहां से निकाला। जी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रियांशु थोड़ी देर क्लास में रहना बेटे, क्योंकि मैं एक नया टॉपिक कवर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद। यस सर, यस सर, आपने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिया आज, आए थे आप थोड़ी देर। ये कर दो इरेस, रॉबिन। हाँ यस सर। हो जाना दिया था इतनी देर में।
सर एट है। अशोक आंसर इज एट। कर लिया ये? यस सर। और किसी का हुआ? अशोक का तो सुन लिया मैंने। आसान है क्वेश्चन भाई, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, टू आगे वाई माइनस एक्स पावर फाइव, अंदर क्या रहा वाई डैश माइनस फाइव एक्स फोर। ठीक है, ये जल्दी में लिखा नहीं जाता, ये धीरे लिखना पड़ेगा। फोर इधर क्या रह गया, प्रोडक्ट रूल, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स एज सच एक्स का वैल्यू वन पुट करिए, वाई का वैल्यू थ्री पुट करिए, y dash निकल आएगा। I am not gonna solve this question. y dash will be 8. प्रियांशु हो गया आपका, शबाना, मनीषा, रूबिन। यस सर। ठीक है, ये वाला तो हो गया ना। देखो एडवांस क्वेश्चन भी निकल सकता है कई बार, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये कैसे निकालना। मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स, डिफरेंशिएशन करना है। दो स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा इसका, तीन है तो तीन स्टेप में होगा। पहले फर्स्ट कॉलम को करेंगे या रो को करेंगे और दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, सेकंड एज सच। फिर फर्स्ट को एज सच रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट ए डिटरमिनेंट। सर डिटरमिनेंट को खोल के सर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा अगर आप उसको खोल के करेंगे, लंबा पड़ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व। ठीक है, ओके सर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या फायदा है इस मेथड का।
fx is equal to x plus a square a b a c a b x plus b square b c a c b c and x plus c square. Then prove that f dash x is equal to 3x square plus 2x a square plus b square plus c square. So ABC constant? Yes, ABC constant. Only इसे लिखा ना, this is function of x. X is the variable. सर यस सर आपने सर एक कॉलम का डेरिवेटिव किया था सर, फिर एक कॉलम को छोड़ दिया था सर, और उसके बाद अगर तीन होते तो सर फिर तीसरे का करते क्या सर? तीन बार में करते, एक बार एक को करते दोनों सेम, दूसरे को करते बाकी दोनों सेम, फिर थर्ड को करते, वन एट ए टाइम इज द रूल. ठीक है सर, हो गया.
हो गया प्रियांशु? सब बस हो रहा है, सब करने वाले। सर डेरिवेटिव करने के बाद एक्सपेंड कर दो। हाँ हल्का फुल्का एक्सपेंड करना पड़ेगा। सर जीरो जीरो बच जाएंगे सर तीनों में, बस वो वन वन बचेगा सर एक। yes, एक जगह। yes, सर हो गया। मैं सही कह रहे हो, वेरी गुड अशोक। फर्स्ट का क्या होगा? ए स्क्वायर का तो जीरो होगा, एक्स का वन, ए बी का जीरो, ए सी जीरो, ए बी जीरो, सॉरी एक बार में एक ही करेंगे तो चाहे रो कर लो या कॉलम कर लो, मैंने बताया था एक ही बात है। रो कर लेते हैं, ए बी एज सच एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए, साथ साथ एक्सपेंड करता हूं, बाकी दो भी लिखूंगा अभी। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, सो एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड रो का करिए, फर्स्ट एज सच एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी का जीरो, एक्स का वन, बी सी जीरो, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। थर्ड का पहली दो सेम, ठीक है ना? अब क्या सिमेट्री नहीं है इस क्वेश्चन में? x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए के साथ बी, ए के साथ सी, तो सिमेट्री से आगे वाला रिजल्ट आप बता सकते हैं। जब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ, अभी क्या है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, दो बार बी स्क्वायर, दो बार ए स्क्वायर, दो बार सी स्क्वायर। सर मुझे सर सिमेट्री नहीं दिखी थी। प्रैक्टिस करते करते पता चलता है कि सिमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे सर खोलने पे नहीं सब सर कट गए थे ज्यादा टर्म, तो फिर कोई आ गया था टाइम, अपना सिमेट्री यूज करके टाइम बच गया ना, ये एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस सर। गाइस वंस नोटेड डाउन प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हो गया शबाना? चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे डिफरेंशिएशन के, लास्ट टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन में फिलहाल के लिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर डिग्री टू पॉलिनोमियल्स, डिग्री टू के पॉलिनोमियल्स हैं। पाई एक्स
इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स. एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स. एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स. प्रूव करना है फाइव एक्स इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. ये प्रूव करना है. क्वेश्चन लिख लीजिए इससे पहले ब्लर हो जाए. लिख लिया. अशोक प्रियांशु सबाना लिख लिया क्वेश्चन. यस सर. यस सर. सर अप्रोच सुनेंगे सर एक बार. हाँ अशोक एक सेकंड बेटे. जस्ट गिव मी वन मिनट. जस्ट गिव.
हाँ अशोक बोलिए बोलिए अशोक सर, ये सर 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन देगा तो सर लेट कर लेंगे सर इसमें शायद fx को सर मैंने सर a1x स्क्वायर लेट कर लिया प्लस a2x प्लस a3 okay. और gx को सर b1x स्क्वायर प्लस b2x प्लस b3 okay. और सर hx को सर c1x स्क्वायर ऐसे सर, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या था सर 2a1x और ओ सर री डेरिवेटिव करने में ना सर f वो 3 का डेरिवेटिव सर 0 0 आ रहा है सर, सही बात। तो इसके बाद क्या करूं? हो गया क्वेश्चन सर, लास्ट स्टेप बचा है सर, एक बार देखो। हाँ एक्चुअली करने की जरूरत भी नहीं है इतना। देखिए हुआ हो क्या रहा है, एफ एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कब आएगा, व्हेन फाई डैश एक्स विल बी फाई डैश एक्स क्या होगा अगर फाई एक्स कॉन्स्टेंट सर जीरो 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 होगा, दैट्स द ट्रिक। मतलब हमें phi dash x करना है, सीधी सी बात ही है। क्वेश्चन समझ में अगर आया हो जाएगा फिर। अब phi dash x क्या होगा, पहले एक का डेरिवेटिव करेंगे फिर दूसरी का फिर तीसरी का। पहली का डेरिवेटिव किया f dash x g dash x h dash x, बाकी दोनों सेम। कुछ दिख रहा है आपको पहली और दूसरी रो क्या है? सेम है, सेम है, सर जीरो हो जाएगा, जीरो होगा इसका, दिस इज जीरो प्लस सर मेरा हो गया सर। फर्स्ट को सेम रखो, सेकंड का करिए एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एंड एच डबल डैश एक्स। थर्ड भी क्या है सेम है, ये भी जीरो। कोई बता सकता है थर्ड जीरो क्यों होगा? वाई विल थर्ड भी जीरो? मैं उस सर उसमें एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स आएगा ना एक ही रो में, तीनों जीरो होंगी। एब्सोल्युटली भाई, जब ये सेकंड डिग्री का है तो कोई भी फॉर्म हो चाहे ए एक्स स्क्वायर हो बी एक्स हो कुछ भी हो, इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, दिस इज जीरो जीरो जीरो। शबाना क्लियर है क्या हुआ? एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। अगर फाई एक्स कांस्टेंट है तो फाई डैश एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। तो फाई डैश एक्स कैसे करेंगे? फाई डैश एक्स करने का तरीका क्या है? फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज, बाकी दोनों एज इट इज। थर्ड रो का फर्स्ट का डिफरेंशिएट करिए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है? यस सर। फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गई, दैट इज व्हाई इट इज जीरो। ओके सर। फिर फर्स्ट को नहीं छेड़ा, सेकंड को किया एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव, एक बार वो डेरिवेटिव बनेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एच डबल डैश। अब सेकंड और थर्ड सेम हो गए। सिमिलरली थर्ड, अब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, फर्स्ट बार करेंगे तो शुभाना क्या आएगा? 2ax प्लस बी, सेकंड बार करेंगे तो 2a और थर्ड बार करेंगे तो जीरो 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 जीरो। ओके सर। थर्ड रो का टाइम आया तो इसका तो एफ ट्रिपल एक्स होगा ना, दैट विल बी जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, ये नोट डाउन कर लिया कर दो रेस। यस सर।
एक बार क्वेश्चन लिख दूं, ये बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है, मुझे पता है। 1 + x a1 b1 पावर में है ये सब। सर ये पावर है a1 b1 पावर। थोड़ा बहुत बाइनोमियल गई, उसे ज्यादा नहीं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। सोचने का क्वेश्चन है ज्यादा। लक्ष्मैया सर भी गुस्सा हो जाएंगे।
गाइस देखें कैसे हो सकता है। सर कर रहे हैं सर, एक मिनट बस। सर आप करा दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। दिस इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का फंक्शन कैसे हुआ गाइस? कोई भी पावर है, ये ए वन बी वन, कुछ तो नंबर होगा इसका, टू थ्री फाइव। एक्सपोनेंशियल तो नहीं है ना ये? दिस इज नो सर। अग्री और नॉट? अग्री सर। तो दिस इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे होगा? ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन, ऐसा होगा ये। अब अपने को करना क्या है, एक्स का कोफिशियंट निकालना है। एक्स का कोफिशियंट कब निकलेगा? अगर मैं f डैश x कर दूं, ये तो जो आए सो आए, इधर से f डैश x क्या आएगा, a नोट का क्या हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा। सॉरी आई पुट a नोट, दिस विल बी जीरो। इसका हो जाएगा a वन प्लस टू a टू x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें मतलब नहीं है a टू हो कुछ भी हो, हमें निकालना है, निकालना क्या है, a1 वन कोफिशियंट ऑफ x। समझ रहे? यस सर। क्या क्वेश्चन रह गया? आपका क्वेश्चन रह गया, अगर आप x को जीरो पुट कर दें बाकी सब जीरो हो जाएगा। सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड f डैश जीरो। मजेदार है, f डैश जीरो निकालना है। सर ये कैसे पता चला कि f डैश जीरो के से आएगा? ऐसे क्यों पता चला? पुट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करिए, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगे। क्यों? a2 के बाद क्या आएगा, a3 आएगा ना, x क्यूब, x की पावर कुछ बढ़ेगी, कम तो नहीं होंगी। यस सर। That's why आगे थ्री ए थ्री एक्स टू वट एवर ये सब जीरो हो जाएगा। x को जीरो पुट करने से ओनली ए वन विल बी लेफ्ट। बेसिकली हमें f डैश जीरो निकालना है, और हमेशा डिफ्रेंसिएशन में पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर निकालते हैं। कहीं आप यहां पुट कर दो x को जीरो, तो वन पावर वन कुछ भी, वन का कोई भी पावर हो, वन 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 वन, ये तो जीरो हो गया, एफ एक्स इज जीरो। इसी वजह से सर ए वन से जीरो आ रहा है, ए वन जीरो आ रहा है। यस सर। आई डोंट थिंक सो। हाँ जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। सर फिर तो आंसर जीरो हो गया सर, कोफिशिएंट जीरो है। हाँ ऑप्शन आंसर इज जीरो। क्या आएगा एफ डैश एक्स क्या इस? पहले फर्स्ट रो ए वन बी वन आगे आ जाएगा, वन प्लस एक्स पावर ए वन बी वन माइनस वन, ए टू बी टू आगे वन प्लस एक्स पावर ए टू बी टू माइनस वन, देन ए थ्री ए वन बी थ्री आगे, सॉरी दिस इज ए वन,
तो ए वन बी थ्री वन प्लस एक्स पावर ए वन बी थ्री माइनस वन। अब देखो x को जीरो रखोगे तो वन का कोई भी पावर करो तो क्या आएगा, वन, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज रह जाएगी ए वन बी वन, जब जीरो रखा ये हो गया ए टू बी टू एंड दिस इज सॉरी ए टू बी टू नहीं ए वन बी टू। ए वन बी टू ये हो जाएगा ए वन बी थ्री। कोई मुझे बता सकता है सेकंड रो और थर्ड रो में क्या आएगा एफ डैश जीरो में? तो सेम यही रहेगा ना सर। सेम क्यों रहेगा? ये सेम रहेगा, एक्स को जीरो रखिए क्या रह गया, वन की पावर कुछ भी करेंगे तो वन 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 वन। नाउ बाई सिमेट्री कैन यू से सर तीनों में सर वो दो रो वन 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 आएंगे? एब्सोल्युटली तीनों में दो रो वन वन की बनेगी, दिस विल बी जीरो। तो नई लर्निंग क्या है, कहां से आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें पॉलिनोमियल के बारे में पता है कि नहीं पता? पॉलिनोमियल इज दिस फॉर्म ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू स्क्वायर। डन सर। लेट मी नो गाइस क्लियर और नॉट क्लियर सर। अंशु ओके, शबाना एंड मनीषा यस सर क्लियर। यस सर। इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम कब है सर? 3 दिसंबर। थर्ड, अभी टाइम है, मतलब 6-7 दिन का टाइम। तीन को इंग्लिश का है, उसके बाद मैथ्स का 6 को। अच्छा, तो 1-2 दिन तुम्हारी क्लास मिस होगी शायद, जिस दिन एग्जाम मैथ्स का होगा या फिजिक्स का होगा वैसे ना। सर आप रेगुलर लेंगे सर? देखते हैं, सबसे बात करते हैं, 1-2 दिन जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उस दिन रहने देंगे क्लास, या उसके आगे पीछे रहने देंगे। 2-3 दिन क्लास मिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, पढ़ाने वाला ही नहीं, पढ़ने वाला ही कोई नहीं होगा तो मैं किसको पढ़ा। ऐसे रिकॉर्ड तो मुझे नहीं करना है, रिकॉर्ड करके चले जाओ तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज अ यूट्यूब टॉपिक, रिकॉर्ड करके चले जाओ। सर ऑफलाइन कब से हो रहा है? ऑफलाइन बोला है ना गवर्नमेंट ने सर, मंडे सर ट्यूशन भी मंडे से, मंडे से बोला है ना। यस सर। अनलेस ये पोल्यूशन वाला फिर से मसला ना उठ जाए, फिर से सीवियर हो गया है, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए पोल्यूशन के चक्कर में। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, विच कैन बी डन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। विच क्वेश्चन डू आई टेक? ये तो सारे करवा दिए डिफरेंशिएशन के टाइप, काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए डिफरेंशिएशन के, 5-6 दिन से चल रहा है टॉपिक। सर अब कल कंटिन्यू करते हैं? नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे अशोक गुट्टे, बस प्लीज बियर फॉर अनदर 5 मिनट्स। ओके ओके सर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1 with respect to 1 - x² at x = 1/2।
सर फोर लेट मी चेक आंसर आंसर इज फोर करेक्ट है प्रियांशु सर हो गया हो गया क्या सब्स्टिट्यूशन रखा कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा ये मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस इज वन अपॉन कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा वन बाय कॉस इज कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कट करेंगे टू थीटा थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स लेट्स से दिस इज इक्वल टू जेड अब dz by dx क्या होगा माइनस टू अपॉन माइनस अब विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस है तो हम क्या करते हैं d by dx of वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा ये वन by टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स इसको डिवाइड कर देंगे dx से dx कैंसिल सो dz अपॉन d ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा ये रह गया माइनस 2x बाय 2 माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 कैंसिल ऊपर चला गया 2 बाय एक्स एक्स को जब 1 बाय 2 रखेंगे तो दिस इज 4 आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 पर क्लियर है गाइस यस सर सर आपने जहां पर वो 2 थीटा को ना सर 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखा है ना सर तो सर आप हाँ सर हम सीधा 2 थीटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं डी जेड बाय डी थीटा बिल्कुल कर सकते हैं फिर यहाँ पर भी थीटा में लाना पड़ेगा ये सर वो कॉस थीटा से ना सर वो साइन थीटा बन जाएगा कर सकते लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ एक्स कॉस थीटा रखा है उधर भी एक्स कॉस थीटा रखा है तो साइन थीटा इधर साइन थीटा आ रहा है ना वैल्यू तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा ठीक है दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम है कर सकते हैं गाइस टिल योर एग्जाम्स हैपन नाउ नेक्स्ट 3-4 डेज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्स के बीच में मैं देखता हूँ क्या करवा सकूं कुछ बहुत ज्यादा नया टॉपिक भी नहीं करवा सकता क्योंकि 10 दिन तो चलेंगे ना एग्जाम मेन एग्जाम यस सर 18 तारीख तक 18 तक हाँ 10-12 दिन तो मेन एग्जाम है देखते हैं क्या कर रहे थे कल भी ऑनलाइन क्लास रहेगी ठीक है तो ऑफलाइन अगर आना भी है तो मंडे से ही देखना कल शायद मैं भी घर से ही क्लास लू ओके सर ओके गाइस बाय टेक केयर गुड इवनिंग बाय सर थैंक यू सर गुड डे सर गुड डे
बस 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 अब वो ये वाली कुर्सियां पीछे करो, दीवार से लगाओ पीछे वाली। हाँ
क्लास में फर्से लूंगा यूपीएससी की तो है नहीं कर नहीं हाँ मेरे को बता यूपीएससी की नहीं है ना मैंने सर से बात कर ली अच्छा सिर्फ आईआईटी की होगी